रास्ता मंजिल का दिखाने वाला एक वो खूबसूरत सफर था, कोई और नाम मत देना उसे, वो दूसरा मेरा घर था। वो हर बार की तरह कैसे हम मना कर दिया करते थे ना मम्मी को, स्कूल नहीं जाना, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। रोते थे कितना जाने से पहले, अच्छा नहीं लगता था पर क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सब उल्टा हो गया, अब घर पे रहना बोरिंग लगता था और स्कूल जाने का मजा ही कुछ और था। क्यों ना हो, उसके कारण ही इतने थे। एक एक पल याद है जो तब, वो स्कूल के दिन थे। सुबह सुबह इंतजार अपनी बस का करना, पहले विंडो सीट के लिए फिर विंडो के लिए लड़ना, फिर स्कूल पहुंचती असेंबली शुरू और उधर ना जाने के बहाने भी। कोई बहाना जब काम नहीं आया तो वॉशरूम में छुप जाना सही। टीचर्स के साथ चोर पुलिस खेलने का मजा कुछ अलग था। पनिशमेंट मिलने पे घर तक फोन ना जाए, बस इसी बात का डर था। चांटे खाने की आदत पड़ गई थी, डांट का फिर तो पूछो ही मत। वो पल याद है क्या, जब पहली बार किया था बंक, डर भी लग रहा था पकड़े ना जाए कहीं। एक बार के बाद तो सब अपनी कप ऑफ टी, टीचर को पढ़ाने दो अपना कोई मतलब नहीं। लंच भी खाते थे तो क्लास में बैठे ही, एक लंच में आठ आठ हाथ हुआ करते थे, हम दोस्त सारे तब साथ हुआ करते थे। क्लास के बीच में गॉसिप्स अपनी चालू रहती थी, हम सब वॉशरूम हो आते थे, किसी एक को भी अगर लगती थी। ब्लेजर डाल के सर पे किसी एक को अपना शिकार बनाना, पेपर बॉल्स का वॉर लगभग हो ही जाता था रोजाना। लड़ाइयां स्कूल वाली करीब से देखना किस्मत थी, और फिर सबको पता था इसके बाद कॉम्प्रो तो होनी ही थी। बर्थडे पे विशेष से ज्यादा बर्थडे बॉम्ब्स मिलते थे, ट्रीट लेने के नाम पे फिर नए नए चेहरे भी दिखते थे। कितने गेम्स खेलते थे हम क्लास में बैठे बैठे ही, ट्रुथ टेयर, चिड़िया और पेन फाइटिंग कर करके हम ट्राइमेक्स पायलट पेन जीत के लाते थे। कैंटीन में खाके दोस्त का फिर बिल के टाइम पे हमेशा भाग जाते थे। अंडी मंडी संडी सबसे बड़ी धमकी थी और माँ कसम सबसे बड़ा प्रूफ, होमवर्क जो ना करे वो कूल है, और टॉपर सारे हमेशा से थे बेवकूफ। क्लास के बीच में टीचर जब बुला लेती थी बोर्ड पे, काम जाती थी बॉडी और हो जाते बेहोश से। राहत मिलती तब जब पता चलता बोर्ड बस साफ करना है, पर इन क्लास मॉनिटर्स का कसम से आज भी हिसाब करना है। स्कूल के जूते थे अपने पास, फिर भी हम कैजुअल शूज में होते थे, वहां रूल्स ही इतने सारे थे, तभी तो उन्हें तोड़ने के मजे भी अलग होते थे। यूनिफॉर्म की अपनी बेइज्जती लाख करते थे, सारे कांड खुल्लम खुल्ला चीटिंग चुपचाप करते थे। पीटी के पीरियड में फुल एनर्जी और मैथ्स में पता नहीं क्या हो जाता था, आगे बेंच पे सब पढ़ रहे हैं और पीछे हमारा जीरो कट्टा चलता रहता था। एनुअल डे की तैयारी में जब स्कूल पूरा बिजी हो, सारे पीरियड फ्री निकलते, सबके चेहरे पे खुशी हो, लव लेटर भी कंपास से डेस्क पे लिखे जाते थे। पंखे मोड़ के पता नहीं हम साबित क्या करना चाहते थे, ना करियर की टेंशन ना कुछ की, बस दोस्ती यारी सच्ची थी। अब महसूस होता है वो सुबह आज की सुबह से कितनी ज्यादा अच्छी थी। फिर एक वक्त आया जब स्कूल खत्म होने वाला था, उन चेहरों को साथ देखकर वो आखिरी बार अपना वक्त निकाला था। नहीं पता था हमें वो लास्ट टाइम हम साथ में उस ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे थे, अपने उन टीचर्स को पढ़ाते हुए हम उस दिन आखिरी बार झेल रहे थे। कैंटीन के समोसे की आदत पड़ गई थी, वो यादें कुछ इस तरह खुद से जुड़ गई थी। फेयरवेल के टाइम पे सजना सवरना, मिलते रहने के वादे करना, कल सुबह हम यहाँ नहीं होंगे, कभी फैमिली थे अब विजिटर्स बनेंगे, ग्रुप फोटो वो आखिरी थी जिसमें आखिरी बार सब साथ दिखे थे। सोचा नहीं था जिनके साथ रोज बैठा करते थे उनसे मिलने की आज बात ही होगी। पहले तो बस सेक्शन चेंज हो जाने से हम तड़प जाया करते थे, पता नहीं था उनसे अब मुलाकात भी नहीं होगी। जिस यूनिफॉर्म की बेइज्जती करते थे उस यूनिफॉर्म की आज याद आती है, सामने से जब कोई स्कूल बस गुजरती है ना तो भी आंखें नम हो जाती हैं। हौजी पप्पी शेम करते करते गालियां देना सीख गए, हम पढ़ाई में टॉपर से पीछे रहे, मेमोरीज बनाने में जीत गए। घर में एक बॉटल भरी नहीं जाती, स्कूल में पांच पांच बॉटल सबकी एक साथ भर लेते थे, वो नाम टीचर्स को कभी बता नहीं चलेंगे जो नाम हम उन्हें प्यार से देते थे। निकर से फुल पैंट तक का सफर, पेंसिल के बाद पेंसिल लिखने का हुनर, यारी का मतलब भी सीखा इधर, इसे स्कूल कह लो या कह लो घर।